पोपो इज़ माई निक नेम और ये एक स्टूडेंट था मेरा, वहाँ से स्टार्ट हुआ और इट केम इन टू एग्जिस्टेंस. और इतना ज़्यादा हम लोगों ने पॉपुलैरिटी विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम हमें मिली कि इसको फिर एज ए क्लब हमें रजिस्टर करवाना पड़ा. हमारे पास इस टाइम पे आई हैव अ किड फ्रॉम कश्मीर हु इज़ 11, अ किड फ्रॉम स्वात हु इज़ 11. और हमें नहीं पता कि मतलब हमें ये पता है कि दे आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड किड्स, लेकिन उनका फ्यूचर कहाँ पे है ये हमें नहीं पता, बिकॉज फ्यूचर लाइज विद अल्लाह. ठीक है, तो हमें नहीं पता. वी आर कंटिन्यूसली इन्वेस्टिंग ऑन देम, हम लोग स्पेंड कर रहे हैं, वी आर स्पेंडिंग ऑन देम, हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम लोग उनके फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं. हम लोग ये काम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान का यूथ स्ट्रॉन्ग हो. पाकिस्तान का यूथ पाकिस्तान की बैकबोन है, और अगर ये स्ट्रॉन्ग होगा तो ऑब्वियसली पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया में बनेगा. और जहाँ तक बात है कि हम लोग इनको किस तरह मोटिवेट करते हैं, तो मोटिवेशन के लिए जो हमारे कोच हैं, ही इज़ द ओनली प्रो लाइसेंस कोच इन पाकिस्तान, सो विच इज़ मेरे ख्याल में बहुत बड़ा मोटिवेटर इन इट सेल्फ है कि जो कोच है उसकी एक पर्सनैलिटी है, तो उसको देख के उसके फॉलोअर्स हैं सारे, तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है. और हम फिर जब बच्चों को दिखाते हैं कि जो हमारा कोच है वो आर्सेन वेंगर के साथ खड़ा हुआ है, या हमारा कोच जो है वो मार्सेलो के साथ खड़ा हुआ है, जिनको आप टीवी में देख देख के बड़े हो रहे हैं, वो हमारे कोच के साथ खड़े हुए हैं, तो वो एक मोटिवेटर इट्स इन इट सेल्फ है. अदील प्रॉब्लम. ओके, आज का जो ट्रेनिंग सेशन है ना, तो मेन ऑब्जेक्टिव है पैसिंग वर्सेस पोजेशन. आई एम शहजाद अनवर, प्रोफेशनल लाइसेंस कोच. और एज ए प्लेयर जो मेरा फुटबॉल कैरियर है वो मैंने 1990 से फुटबॉल स्टार्ट किया, और एज ए प्लेयर पाकिस्तान नेशनल यूथ टीम को रिप्रेजेंट किया. एज ए कोच जो मेरा जर्नी स्टार्ट होता है वो पीएफ कॉलेज सरगोधा 1997 से है. और प्रोफेशनल क्लब्स की जहाँ तक बात करते हैं, तो प्रोफेशनल क्लब्स के साथ ब्राज़ील के अंदर मैंने एथलेटिको पुर्तगीज़ा डिस्पोर्टिव के साथ एक असाइनमेंट मैंने कंप्लीट की, और फिर नेशनल एथलेटिको के साथ तकरीबन 6 मंथ काम किया है. एक यूथ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था स्पेन के अंदर, अकेडमी ऑफ द फुटबॉल द कटलानिया, उसके साथ काम किया है. और पाकिस्तान के अंदर जो है पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ 2013-14 एयरफोर्स के साथ था, जिसके अंदर हमने नेशनल चैलेंज कप जीता. और फिर 15 में मैंने SSGC के साथ काम किया है, और आजकल जो है वो पोपो फुटबॉल क्लब के साथ यूथ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ. मतलब सिंपल वर्ड्स में, जिस तरह चेस में अगर आपने एक स्टेप आगे लेना है तो आपको 2 स्टेप पीछे मूव करना पड़ता है, तो इसी तरह हम लोगों ने मैंने बड़े स्टेप्स पीछे लेके सर शहजाद को लेकर आया हूँ. जब मैं नेशनल टीम के साथ था तो बहुत ज़्यादा लड़के जो है स्पेशली 2018 और 19 के अंदर जो हमारे पास नेशनल टीम के अंदर आए हैं यूथ प्लेयर्स, वो बिलोंग्स टू पोपो FC. तो फिर एक चीज़ मेरे उसमें आई कि यार ये क्या है पोपो FC के, जिसके पास इतने यूथ प्लेयर्स हैं और नेशनल टीम के अंदर आ रहे हैं. यानी कि अंडर 16 का वाइस कैप्टन जो था वो ताहा, बिलोंग्स टू पोपो FC. इसी तरह मामून मूसा जो अंडर 19 का वाइस कैप्टन था, बिलोंग्स टू पोपो FC. ठीक है, और फिर इसी दौरान मेरा जो इंट्रैक्शन जब वो हारिस बिन हारून के साथ हुआ, जो ऑनर है पोपो FC के, और काफ़ी तकरीबन 6 मंथ ये बात चलती रही कि उन्होंने मुझे इन्वाइट किया कि आप आएँ और देखें कि हमारे पास कैसा टैलेंट है. तो फिर मैं इधर आया हूँ, जब तो वाकई बड़ा इंप्रेसिव था, यंग टैलेंटेड लड़के थे और एक पूरा एक ग्रुप था. I'm 16 years old and I'm the captain of Popo FC, and I joined Popo FC at the age of 11 or 12, and it's been an amazing journey with Popo FC.
पोको एफ सी में रेगुलर ट्रेनिंग सेशन की वजह से मैंने अपनी गेम इम्प्रूवमेंट काफ़ी ज़्यादा मतलब कि मेरी गेम इम्प्रूवमेंट आई और उसके बाद नेशनल अंडर 16 के ट्रायल्स आए और वो मैंने दिए एंड आई वॉज सेलेक्टेड फॉर द पाकिस्तान अंडर 16 टीम। देन हमने सऊदी अरेबिया ट्रैवल किया और हमने सीरिया ओमान और सऊदी अरेबिया के खिलाफ मैचेस खेले एंड आई वॉज इलेक्टेड एज द वाइस कैप्टन ऑफ पाकिस्तान अंडर 16 एंड इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस प्लेइंग ओवर देयर। आफ्टर नेशनल टीम जब मैं वापस आया तो आई वॉज इलेक्टेड एज द कैप्टन ऑफ पोको एफ सी और मैंने पोको एफ सी के बॉयज़ को डिफरेंट टूर्नामेंट्स में लीड किया और उसके बाद हम नेशनल चैलेंज कप में गए एंड आई वॉज द यंगेस्ट कैप्टन ओवर देयर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने प्रोफेशनल क्लब्स के साथ काम किया है, कुछ यूथ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं उनमें काम किया है और जो कोच एजुकेशन से जो चीज़ें मैंने हासिल की हैं उसके अंदर ये है कि जो यूथ डेवलपमेंट जो है ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट एक पिलर है किसी भी कंट्री की फ़ुटबॉल को बेहतर करने के लिए। और हमारे कंट्रीज़ के अंदर सिर्फ ये है कि हम जो है मोस्टली कंट्रीज जो है वो लिप सर्विस सिर्फ कर रहे होते हैं यूथ डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है, लेकिन मैंने टोटली इसके ऊपर फोकस किया है कि हम पाकिस्तान की जो यंग टैलेंटेड लड़के हैं इनको डेवलप करें। और डेवलपमेंट सिर्फ यही नहीं है कि आप 6 महीने के बाद कोई कैंप लगाएं, तो रेगुलर बेसिस है कि उसके ऊपर ट्रेनिंग होती है, ठीक है, और वेल स्टैंडर्ड कंपटीशन। इनके प्लेयर डेवलपमेंट के अंदर 3 चीज़ें जो है वो मैं बड़ी इंपॉर्टेंट समझता हूँ, जिसके अंदर फर्स्ट जो है वो कोच, सेकेंड जो है वो टीममेट्स और थर्ड जो है वेल स्टैंडर्ड कंपटीशन जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि प्लेयर्स को मिले तब प्रॉपर हम प्लेयर्स की डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो मैच के बाद उसी तरह रिकवरी सेशंस और इस एज के अंदर इनके 19 इयर्स ओल्ड हैं तकरीबन, तो इसके अंदर फिर हम उनके स्ट्रेंथ एंड पावर ट्रेनिंग भी चलती है और इसके अलावा थ्रेटिकल सेशंस हैं कुछ जिसके अंदर हमें जो मॉडर्न फुटबॉल ट्रेंड्स हैं उसके ऊपर हम बात करते हैं। मेरा नाम मिर्जा हसीब है और मैं 16 साल का हूँ। मैं 2016 में पोपो फुटबॉल क्लब में आया था। मैं पोपो एफसी में ऐसे आया था कि मैं एक रैंडम मैच खेल रहा था और पोपो हारिस बिन हारून ने मुझे देखा और इन्होंने मुझे सिलेक्ट किया। मेरे फुटबॉल जर्नी में बहुत से कोचेज़ आए पर सच हिसाब के साथ खेल के उनके साथ टेक्टिकल अवेयरनेस हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। जो द फैसिलिटीज़ हैं जो हारिस बिन हारून फाउंडर है जो मतलब के बॉयज़ को जो वो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं जो आपने देखा होगा स्पेशल जिम जो जिम ट्रेनिंग होती है और स्पेशल उनके लिए उनका रहना खाना सब कुछ मतलब के जो वो करते हैं तो ये बहुत कम देखा जाता है पाकिस्तान में। वैसे तो करंटली जिस सिचुएशन में अभी जिस पॉइंट पे हम लोग हैं दिस इज़ 1% ऑफ व्हाट आई एम प्लानिंग टू डू सिंस एजेस। और ये कॉन्सेप्ट इसलिए इस तरह एक हॉस्टल फैसिलिटी और सब एक साथ रहें, मैं बड़ा फॉलोअर हूँ इंटरनेशनल क्लब्स का तो मैं उनके सेटअप्स को देखता हूँ कि ऑब्वियसली आप लोगों ने किसी को एक ग्रुप को ग्रूम करना है तो दे मस्ट ऑल लिव टुगेदर, दे मस्ट ऑल स्लीप टुगेदर, दे मस्ट ऑल ईट टुगेदर, तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है कि ये सब बच्चे एक साथ रहते हैं, एक साथ ट्रेनिंग पे जाते हैं, तो जो बॉन्ड हम लोग स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं आउट ऑफ द फील्ड वही हमारे परफॉर्मेंस पे इंपैक्ट करता है। फर्स्ट सेशन को इट्स वेरी गुड। मेरा नाम मोहम्मद वलीद खान है, मेरी एज 16 है और मैं 2016 से पोपो एफसी में खेलता हूँ। पोपो एफसी ने मेरे डेवलपमेंट में काफ़ी अच्छा किरदार अदा किया है और मतलब कि पोपो एफसी ने बहुत ज़्यादा शुरू से सपोर्ट किया, ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जो पाकिस्तान में मेरे ख्याल से मतलब शायद ही कहीं किसी ने प्रोवाइड किया हो, मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक सो, बट मतलब कि पोपो एफसी पहले दिन से ही मतलब उन्होंने आई फेल्ट लाइक इट वाज माय होम फ्रॉम द डे फर्स्ट। मैं था 13-14 साल का और मुझे खिलाते अंडर 19 में थे, ठीक है, सीनियर लेवल पे भी लेके जाते थे साथ, खिलाते कम थे मगर मतलब एक्सपोजर दे रहे थे और काफ़ी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा पोपो फुटबॉल क्लब का। मैं आज मतलब जितना कुछ भी जो कुछ भी है सारा पोपो फुटबॉल क्लब की वजह से ही है।
नाम उस्मान शौकत है और मेरा एज 17 साल है। मैं 2018 से पोपो एफसी में खेल रहा हूँ। मैं मलकण से हूँ और जो मेरा मतलब मटखेले का टीम है, मटखेले लेवल में उसमें खेल रहा था। और जो पोपो एफसी का प्रेसिडेंट है हरीश बिन अरुण और जो कोच है सर शहजाद, उन लोगों ने मुझे ऑफर किया है पोपो एफसी ज्वाइन करने के लिए और उस टाइम मैंने पोपो एफसी ज्वाइन कर लिया है। मैंने पाकिस्तान अंडर 16 को रिप्रेजेंट किया सऊदी अरब में। उधर हमारे सीरिया के ख़िलाफ़ और ओमान के ख़िलाफ़ सऊदी अरब के ख़िलाफ़ मैचेस हुए। उधर काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरे। और जब फिर जब मैं आया तो टीम के साथ मैंने और ट्रेनिंग की है और मुझे मौका मिला चैलेंज कप खेलने का। वहाँ पर भी डिपार्टमेंट टीम थी, काफ़ी अच्छी सीनियर टीम है पाकिस्तान का, वहाँ भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा और बहुत मज़ा आया। हमारी जो गर्ल्स टीम है मैनेज्ड बाय मायरा, बहुत बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी टीम है गर्ल्स की और इतने डाइवर्स कल्चर के अंदर इस तरह का स्टेप जो है वो बहुत कम देखा जाता है पाकिस्तान में, क्योंकि लड़कियों के पास इतनी मोटिवेशन नहीं है, किसी को इस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं मिलता जिस तरह का पोपो एफसी ने प्रोवाइड किया हुआ है। और ट्विन सिटीज़ में पहला ऐसा लड़कियों का क्लब था जो पोपो एफसी था। और बस मोटिवेशन मिल जाए, सपोर्ट मिल जाए तो हमारी टीम बेस्ट भी हो सकती है। आई स्टार्टेड प्लेइंग फुटबॉल फ्रॉम पोपो एफसी, सो आई बिलीव वेयर एवर आई एम एज अ प्लेयर इज़ बिकॉज ऑफ द टीम एंड द रेगुलर ट्रेनिंग्स। मतलब इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस और मतलब मैं खुद पर्सनली व्हेन आई स्टार्टेड विद ऑल ऑफ दिस आई वाज नॉट अ पार्ट ऑफ 11 साइड फुटबॉल। आई स्टार्टेड विद फुटसॉल एंड देन आई टुक एन इनिशिएटिव ऑफ फुटबॉल। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ, इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर माय सेल्फ एज वेल। तो बच्चों के लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था और प्लेइंग अगेंस्ट द टॉप नॉच ऑफ पाकिस्तान, मतलब मैं इनको आपको मैं यही कह रहा हूँ कि अगर हम लोग किसी न हम लोग क्रिएट करें, कोशिश करें टू प्ले अगेंस्ट द बेस्ट टू बी द बेस्ट, तो ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था हमारे। अगर मैं कहूँ आई लव टू डेवलप द प्लेयर्स एंड आई लव टू बिल्ड द टीम्स, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि पोपो एफसी जो है ना, पोपो एफसी को जैसे मैंने पहले बताया कि नेक्स्ट चैलेंज कप हमें मिलता है या हमें बी डिवीज़न के अंदर चांस मिलता है तो इंशाल्लाह तो उसके अंदर अच्छा परफॉर्म करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि पोपो एफसी जो वो पाकिस्तान प्रीमियर लीग का हिस्सा हो। अभी जो पोपो ने एक लेटेस्ट MOU साइन किए है विद अ ब्राज़ीलियन क्लब सका क्लब ब्राज़ील और उसके अंदर प्लेयर एक्सचेंज प्रोग्राम है उनका। पोपो के से प्लेयर्स ब्राज़ील जाएंगे, दे आर गोइंग टू ट्रेन विद देम इन ब्राज़ील। और जो ब्राज़ील का जो मतलब उनका जो प्रोग्राम है उसमें यह है कि दे आर गोइंग टू ट्रेन देम फॉर 6 months हमारे प्लेयर्स को एंड देन दे आर गोइंग टू सेल देम इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और पोपो नेक्स्ट ईयर्स में आप लोगों को शायद एक इंटरनेशनल स्टेज पर नज़र आएगा इंशाल्लाह। मैंने बड़े होकर फुटबॉलर बनना है और पाकिस्तान के लिए खेलना है। पोपो एफसी मेरे लिए सब कुछ है, फैमिली। पोपो एफसी इज माय होम। पोपो एफसी मेरा दिल है, मेरा घर है। पोपो एफसी आई लव यू। पोपो एफसी इज एवरीथिंग फॉर मी।
पोपो एफसी मेरा दिल है, हमारा घर है और हमें सबसे ज़्यादा चाहने वाले इधर मिले। फैमिली, दिलो जान है मेरा और मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि इसको बहुत ऊपर तक लेके जाऊँ इंशाल्लाह। एम हाई एंड अप फुटबॉल पाकिस्तान।